शहीद पिता के पुत्र पुत्रां दे दानी साहब श्री ग्रंथ साहिब जी महाराज साहब श्री गोबिंद सिंह जी महाराज वल्लों बख्शिश कीता होया नारा फतेह दा जवाब फतेह विच दिओ ते गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी अज आप जिस शख्सियत की याद के एकत्र होए हाँ भाव भाई हरदीप सिंह जी निजर गुरु घर के मुख सेवादार किसी जानकारी का मुहताज नहीं अते ना ही उन्हां वल्लों कीते गए कम्मां बारे कोई दसण दी मैं समझना कि कोई लोड़ है। कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान सो जो उन्होंने अपने समुचे जीवन दे विच पंथ दे वास्ते गुरु घर दे वास्ते अते समुचे समाज दे वास्ते जो रिमार्केबल वर्क कीते ने कार्य कीते ने मैं समझदा हां कि रहिंदी दुनिया तक सिख कौम उसकी ऋणी रहेगी। सो बहुत ही संखेप जिहा प्रोग्राम है कल 8:30 के करीब उन्हां दी इस जो सीनियर सेंटर वाले गेट के सामने जो शहादत हुई है शहादत होने तो 5 मिनट पहला असीं इत्थों कट्ठे रवाना होए आ। दास अपनी गड्डी दे विच बैठिया वो अपनी गड्डी च पहला बैठ के चल गया ते नाल ही मोहरे घात ला के बैठे हुए जो भारतीय खुफिया एजेंसियां दे जो करिंदे सन जो पिछले दिनों तो लगातार उन्हां दी जो नजरसानी कर रहे सन उन्हां ने अपना कारा करके साडा भरा ते सिख कौम दा हीरा ओ साडे कोलों सदा वास्ते खो लिया। सो खालसा जी 8:00 तक ये प्रोग्राम चलेगा उस तो उपरंत आपां सारियां ही संगतां ने गुरु घर दे मेन हाल दे विच उत्थे उन्हां दी आत्मा दी शांति दे निमित्त श्री सहज पाठ प्रारंभ करन दे वास्ते जुड़ना है। उन्हां दी शहादत क्यों हुई बहुत सारियां संगतां नूं भली भांत ये सारा जो वाकयात पता है कि वह की हालात बने क्योंकि जो सिख कौम की सॉवरेंटी का इशू जां मनुखी हक्कां की गल जां धीआं भैणां उत्ते हुंदे जबर की गल जां साहिब श्री ग्रंथ साहिब जी महाराज की बेअदबी का मुद्दा इन्हां सारे जो कीते जांदे भारतीय सरकार वालों जुल्मां दा जिथे उन्होंने डट के मुकाबला किया उत्थे नाल दी नाल इस तों उपर उठ के इसका हल की हो सकता है जो इन्हां सारिया ही मुसीबतों का एको एक हल सिख कौम का अपना राज पाक खालसा राज खालस्तान की गल वो जिस तरीके दे नाल उन्होंने एडवोकेसी की वो आप संगतां सारियां भली भांत जानदे जिन्हां जिन्हां सूरमियां दा उन्होंने संग माणिया उन्हां दा हमेशा अपनी तकरीरां दे विच उह वर्णन करदे रहिंदे सन। सो दासरियां ने भी जदों सेवा दे विच आए उन्हां तों बाद ही उन्हां दे नाल जानकारी हुई पहलां उन्हां दे नाल कोई इतनी ज़्यादा जानकारी भी नहीं सी पर एडे वड्डे फराक दल और इहो जी शख्सियत जिन्हां वल कौम दे विच वास्ते
जो लट लाल पढ़ ली जो ज्वाला सी उन्होंने वाल देख के ही पता लगता सी भी कौम का दर्द किस तरीके दे नाल उन्होंने मन दे विच समोया और किस तरह जो पूरे 24 घंटिया दे विचों 20-20 घंटे उन्होंने पूरे डेडिकेट किए हुए सी कौम दे वास्ते। सो खालसा जी उन्हां दी जो शहादत हुई है इस दे उत्ते क्योंकि हाले इनवेस्टिगेशन ऑन गोइंग है और इस दे विच कोई दूजी राय नहीं, ये जो कारा है ये भारतीय खुफिया तंत्र जो पिछले सालों तो लगातार कदे रेड कॉर्नर नोटिस जारी करके कदे किसी तरीके दे नाल कदे 10 लाख नाम रख के कदे 15 लाख नाम रख के बखो बखरे तरीकों दे नाल कदे उन्हां दी जमीन तुरक करके कि वो इस अपने रास्ते तो दूसरे रास्ते से चल जाए, पर उन्होंने जो अज के जमाने का संघर्ष है खालिस्तान रेफरेंडम का संघर्ष है जो पीसफुल तरीके दे नाल UNO दे चार्टर बंद के तहत लड़िया जा रहा है उस दे तहत जो उन्होंने तहैया किया और उसकी एडवोकेसी बेशक उन्होंने एयर ट्रैवल बैन लगा होने के बावजूद भी टोरंटो मोन्ट्रियल तक वाई रोड जाके उन्होंने कौम की एडवोकेसी की कौम को जगाने का उन्होंने एक होका दिता कि मेरी कौम को जागण की लोड़ है, एकत्र होने की लोड़ है। सो खालसा जी अज असी 2-4 बेनतियां जो करनिया ने उन्होंने साड़ी एक दो डिमांड्स ने जो मानयोग MP साहबान भी पहुँच चुके ने क्योंकि ये जो न्यूटन का हलका है उन्होंने मानयोग MP भाई सुख धालीवाल साहब जी पहुंचे ने। सो धन्यवाद है सारिया संगतों का। सो खालसा जी जो ये जो उन्होंने उत्ते हमला होया है और पिछले दिनों तो लगातार वो अपनिया तकरीरां विच भी दस रहे सन कि मेरे ते हमला होने जा रहा है और इत्थे इन्ना सब कुछ क्लीयर होने के बावजूद भी तू बौड़ी कलगियां वालिया कोई देश ना साडा सुपनापुरी आनंद दा दिसे दूर दराडा उहदे महावाका अनुसार सिख भावें कनेडा दे विच पहुंच गए ने पर उस गुलामी ने इन्हां दा पिछा नहीं छड्डिया पावां इह दुनिया दे विच ह्यूमन राइट का अलंबरदार देश कहाउण वाला देश है पर इत्थे भी सिखां दे नाल जो भारत देश की जो दखल अंदाजी है वह जग जाहिर हो गई है जिस नूं असी भावें पिछले 10 सालों तो वधीक सालों तो इस चीज़ नूं असी पिट पिट के कह रहे हां कि भारतीय खुफिया तंत्र की दखल अंदाजी कनेडा दे देश दे विच हदों वध गई है पर कोई भी उस गल नूं मन्नण नूं तैयार नहीं सी। पर पिछले दिनों दे विच जो मिनिस्ट्री है जो विशेष तौर दे उत्ते पब्लिक सेफ्टी जो मिनिस्ट्री है उन्होंने बकायदा तौर पर डिकलेयर किया है उन्होंने ये मन्या है कि भारतीय खुफिया तंत्र की दखल अंदाजी इन्नी बढ़ चुकी है कि उसनों बिल्कुल हदों बाद इन्नी बढ़ गई है कि उसके किसी भी सिख के उत्ते हमला करने के वास्ते वो हर जतन कर रहे हैं। फिर भी उन्होंने मनण के बावजूद भी भाई हरदीप सिंह नूं कोई सुरक्षा नहीं मिल सकी जिस दे तहत उन्हां दी जो कल शहादत हुई है इस करके असी इत्थे गल रखनी चाहते हाँ सारे असी संगतां तो इस गल की सहमति भी लेना चाहते हाँ कि यह जो भारतीय एजेंसियां वालों कैनेडा दे विच अतवादी हमला होया है इसनों एक अतवादी हमला जो भारत सरकार वालों किया गया है उसनों एक कनेडियन सिखां दे उत्ते भारतीय एजेंसियां वालों असी हमला करार दिंदे हाँ जे तुसी सारियां संगतां साडे इस फैसले दे नाल सहमत हो जिसनों के पब्लिक जो सेफ्टी मिनिस्ट्री ने भी यह मन्या है जे तुसी उहदे नाल सहमत हुंदे हो तुसी सारिया ने
हाथ खड़े करके कहना है कि यह सारा कुछ जो भारतीय खुफिया एजेंसी का सिखा दे उत्ते एक बड़ा हमला होया है। भाई हरदीप सिंह जिंदाबाद, भाई हरदीप सिंह जिंदाबाद, भाई हरदीप सिंह जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, भाई हरदीप सिंह जिंदाबाद। सो खालसा जी, ये जो आप संगतां ने इस मते दे उत्ते प्रवानगी दिती है, ये जो भारतीय खुफिया तंत्र है उस वालों ये जो बड़ा एक हमला सिख कैनेडियन सिखां दे उत्ते कीता गया है। सो इत्थे असी जो इत्थे दी फैडरल गवर्नमेंट उन्हां दे कोलों कुछ साडी डिमांड्स ने वो असी रखणियां चाहुंदे हां। उन्हां दे विच सब तों जो पहली साडी डिमांड है वह असी चाहते हाँ कि फैडरल गौरमेंट इसकी जो स्पैशल जो पब्लिक इनकुआरी है अंदाजी है उसका जो चेहरा कनेडियन गौरमेंट ने आप नंगा किया है, ये सारी गलबात जो इतने का सिस्टम ये गल मने ये जग जार करे कि यह भारतीय खुफिया तंत्र की जो दखल अंदाजी है ये सिखा का बहुत इतने भी पिछा कर रही है और सिखा नेस तो नबूत करने के तुली हुई है। और साडे मानयोग MP साहबान इत्थे बैठे ने जेडे कि साडे इस इलाके की नुमाइंदगी करते ने, उन्हां दे कोलों असीं ये दरखास्त करते हैं। और नाल दी नाल एक हफ्ते का जो सिंघां ने विचार बनाया है कि एक हफ्ते का जो समा इन्हां दे वास्ते रहेगा, क्योंकि साड़ी आवाज बुलंद करने के वास्ते आप इन्हों चुन के पार्लीमेंट के भेजा है। और सारे संगत इस चीज़ तो जानकार ने कि किस तरीके दे नाल आपां सारिया ने यतन किए कि साडा कोई नुमाइंदा उस पार्लीमेंट के होवे साड़ी वह गल करे। बेशक रणदीप सराय जी नहीं आ सके, असी उन्होंने भी सद्दा पत्र भेजा सी, उन्हां दी मर्जी है। सो एक हफ्ते के सानू इसका ये जो साड़ी रिप्रजेंटेशन है साड़ा जो असली रिप्रजेंट है ये उत्थे पार्ली जो कनेडियन पार्लीमेंट दे विच ये रखन। सो एक हफ्ते दे विच असी बहुत इन्हां तो आसमंद भी हाँ कि जरूर एक हफ्ते दे विच विच ये जो मता है ये कनेडियन पार्लीमेंट दे विच रखन। अगर ये सारा कुछ प्रॉपर तरीके दे नाल नहीं हुंदा फिर अगले जो हालात होंगे वो संगत आप विचारेगी, क्योंकि गुरु की संगत का फैसला असी सिर्फ गुरु के कुकर जो गुरु की संगत का हुक्म है वह आप सुनाने वास्ते बैठे हैं। जो संगत का संगती फैसला होगा वह फिर अगला फैसला दसिया जाएगा। सो ये साड़िया कुछ को बेनती सन। सो हुण दो चार बुलारिया ने जो इस विशेष समय के उत्ते अपने विचार पेश करने ने, सब तो पहला असी बेनती करांगे कौम दे महान फिलोसफर भाई प्रोफ शरणवीर सिंह जी, वो आण करके 5-7 मिनट वास्ते ये जो अज दा जो समा बनिया है असी अपना भरा खोया है, कौम दा हीरा खोया है, उस वीर ने जो घालना घाली है कौम दे वास्ते अपने गाढ़े पसीने की जो कमाई इस कौम दिती है उसका असी ऋण चुकाने की कोशिश करनी है। सो इत्थे दास भाई हरदीप सिंह दे अमर रहे आप जी ने बोलना है, दास बोलेगा भाई हरदीप सिंह। भाई हरदीप सिंह निजर अमर रहे, भाई हरदीप सिंह निजर खालसा जी,